हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं, ठीक है। अभी यशी ने जगा दिया हम लोग को, सबको। अभी जयपुर निकलना है हम लोग को। ये नहीं उठा अभी तक, दखन दिया। ये तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे। ये कल हमने रात को इनसे बातें करी नहीं, आज इनका टाइमिंग ही बिगड़ गया पूरे। और लखन भी मुझे बोले थे, बोले 5:30 बजे मैं इधर से किट उठाऊंगा तो तू वैसे ही जग जाएगा। मैं ये देख रहा हूँ किट तीनों के तीनों यहीं पड़े। अभी वो जग जाए, उनको बाय बोल के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जयपुर पहुँचना है टाइम से। और अभी निकल जाएंगे तो ट्रैफिक वगैरह बिल्कुल नहीं मिलेगा। जगाना पड़ेगा मुझे। अरे सोने की अंगूठिया। ये पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लिया है कंबल। यार यहाँ पे दो चीज बहुत ज्यादा है। और पहले तो मैं चादर ओढ़ के सोया, फिर मुझे ठंड लगी, फिर मैंने इसका कंबल उठाया, अपने ऊपर डाला, डबल करा, फिर मस्त सो गया। हमको यार मच्छर बहुत काट रहे हैं, मच्छर बहुत है यहाँ पे। तुम भी खा जाते मच्छरों को? क्या बकवास बात है ये। गाइस लगन में नहीं उठे, नीतू जी तो उठ के जिम चले गई। बाहर घूम रही हो तो एक दिन आते हैं अपन हुए ना, या 5:30 बजे। हाँ बताओ यार बेटा, वो तो निकलना था अपन को 5:30 बजे, 6-4 बजे ऐसे। इसलिए कल तो यार थक भी बहुत ज्यादा गए थे। कल तो सोए भी 10 बजे थे ना, इसलिए उठ गए भाई 5 बजे। सोए हम तो नहीं थे 10 बजे, हम तो काम कर रहे थे यार। मैं तो सोई नहीं, मैं तो जगी रही हूँ। नींद नहीं आई तेरे को? इसको तो बेचारी को रात को मच्छर उठा ले गए थे वापस आई है। पूरा हाथ काट दे मेरा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक। कौन मैं आगे सुई सुई कर रहे हैं? अरे बार रे, कानों में तो आवाज जो आती है वो तो भाई मच्छर गुस्सा आ गया। ईयरफोन लगा रखी थी मैं तो। मेरे को तो क्या बताऊं भाई, क्या नींद आई जोरदार भाई। रात को सोया हूँ, अभी तुमने उठा दिया, वरना तो 3-4 घंटे और नहीं उठता मैं तो। सही है, नहीं अभी हम आके उठा ही देते हैं। चल काट रहे थे, ये ले जाती सुबह सुबह। अंधेरे में ये चलाती हूँ। सही बात है। बाय रुचि। बाय बाय। क्या निकल रहे हैं हम? ऐसे मत करो यार, ब्रेकफास्ट तो करके पहुंचे ना। कर लेंगे रास्ते में, करेंगे। आपके घर पे अच्छा नहीं बनता यार, रात को अच्छा नहीं लगा। अरे यार 4-5 घंटे ड्राइव करनी है। अरे सुधीर, सबसे आपसे पहले गुड मॉर्निंग सुधीर ने करी मुझसे आगे। मैं नीचे थी, योगा कर रही थी। हाँ। मैं ही कर रही थी। अरे वो कहाँ चले गए? उनको 4 बार तो उठाया मैंने, नहीं उठा भैया। गुची के पापा को हाँ। चेक करना उनका फोन। भाई गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स। सुबह सुबह जाने की तैयारी में नहीं करते भाई। क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे आप? मैं भाई तो जा रहा हूँ, तैयार हो गया। अच्छा हाँ हो गया यार, नहीं मैंने नहीं करा। ये रात में तो एकदम नींद में हो गई थी, ठीक है। और अब हम कितने रिलीज करते हैं। नहीं रात को फिर भी जग लिया रे, 10-15 मिनट इनके लिए 4-5 घंटे के बराबर होता है रात को। 9:30 बजे बाद जगना। थैंक यू यार, बाल बना लो आपके। जा रहे हो तुम लोग? जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट तो हो जाएगा हमारा, ठीक है। ब्रेकफास्ट करके चले जाओ। जान दे, रुक यार, यशु को वो देना है। अरे हाँ तेरा वो लहसुन खा, लहसुन पेट ठीक करने वाला। आज तो देख मेरे कल पेट में दर्द होता रहता है ना, वो सेम डॉक्टर तो ठीक कर नहीं पाए, देसी नुस्खे ट्राई कर रहे हैं हम। मैं नहीं कर पाए डॉक्टर, ये डॉक्टर से ठीक होगी। मैं 3 डॉक्टर और दोनों को डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, तो वो ऊंची को घुमा रहा है। घुमारा देखना, रस्सी पकड़ ली उसने मुझे। अच्छा यार दोनों में प्यार, देखना भाई देखना, वो गुजू घुमारा। इतने सारे लहसुन खा रही है सुबह सुबह भाई, अब तू देख वो कितनी ठीक हो जाएगी। मुझे सिर्फ सोलो करना है, इसे चबाना है। चबाना होता तो मेरी बैड बन जाती। ये परफेक्ट उसके लिए बनाई कि शूट कर सके यहाँ से ना। खा जा खा जा, गिरा हुआ आप मत खा लेना भाई। नहीं बुरा खा ले, कहीं उसका भी ठीक हो जाए। तुम्हारे यहाँ तक स्मेल आ रही लहसुन की, डकारे आएंगी तो लहसुन की देखना पूरे रास्ते। नहीं आएगी, सही लग रहा है? स्मेल नहीं आएगी इसको। मुझे लहसुन वैसे ही नहीं खाता लहसुन। उसी और मैं बाहर इंतजार कर रहे हैं गेट पे, कब गेट खुले और कब जा रहे हैं ना कुछ। गाइस अभी 15 मिनट पहले ही सुबह हुई है। अभी थोड़ा सा फॉग हुआ है, अभी थोड़ा सा कम हुआ है। चप्पल नहीं लेकर आई तू भाई मेरे, अरे इसमें रखी हुई है। चलो बाय गाइस, इसको घुमाओ आप। बाय बाय मेरे भाई, बाय। अरे सही है, हमारा ब्रेकफास्ट भी बच गया। ओके बाय डुचू। टॉयलेट है, मेरी गाड़ी का क्या है? मेरे चप्पल नहीं करेंगे ना। शुभ होता है।
वेरी गुड यार, टॉयलेट कर दिया भाई। दोस्तों तुमने ब्रेकफास्ट भी नहीं कराया सुबह सुबह, देख लिया मैंने तुम लोग को, इसीलिए सुबह सुबह जा रहा हूँ, भरोसा नहीं, लंच भी कराओ नहीं कराओ, ठीक है दोस्तों वेलकम हो। मेरी तो पूरी शरीर रखड़ गया यार, गाड़ी चला चल रहे इतनी सुबह सुबह, और सबसे पहले चाय नाश्ता हो जाए। एक बुरी खबर है। क्या हुआ? मौसम आंटी 2 हफ्ते नहीं आएंगी। हाँ हमारी जो यार अपनी जाति सब छुट्टी, हमने 3-4 दिन की छुट्टी दी सबको, और जिस दिन हम आ रहे हैं उसी दिन वो जानबूझ के छुट्टी लेते हैं। पता है एक और चीज, अब हम लोग है ना मतलब इतनी छुट्टियाँ देते हैं, इतने हाफ डेज देते हैं, मतलब महीने में मान लो आप 10 दिन तो हम ही छुट्टियाँ दे देते हैं, उसके अलावा भी 4 दिन की छुट्टी होती है, और उसके अलावा ये लोग और कर लेते हैं, और अब क्या करें, अब कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ अब देख लो वो कुक आंटी भी छुट्टी पे चली गई। तो हम 3 दिन क्या गए, यहाँ तो रोड बन गई बढ़िया, और यहाँ पर डांडिया के लिए हो रही है तैयारी बहुत शानदार तरीके से, प्रिपरेशन चल रही है अभी। सूरज उठ जाए यार, सुन 2 बज रही है, तू नहाएगा फिर अपन जाएंगे, मैंने मेकअप कर लिया है, पता चले उस दिन की तरह। बस उठो 2 मिनट और। मैं आते ही पहले तो बहुत पति तेज नींद आ रही थी, लेकिन यार झूठ है कुछ जो करने ही करने हैं, इसके लिए मैंने फटाफट से मेकअप चालू कर दिया, और उसके बीच में आया है मेरा एक पार्सल जो मैं अभी अनबॉक्स करूंगी और आपको दिखाऊंगी, जैसे मुझे पता है इसमें क्या है, बट अभी अभी देखते हैं कि वही निकलता या नहीं। चलना चलना चल इधर इधर चल इधर। एक साथ 10-12 घंटियां बज रही है। क्या सुंदर आउटफिट पहना हुआ इसने भी। तो दोस्तों स्विश पे नया कलेक्शन लाइव हो ही चुका है जैसे आपको पता है, साथ ही कुछ चीजों पे बहुत अच्छी सेल भी चल रही है, तो चेक जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं अभी गाड़ी में बैठ के रेडी हो रही हूँ, क्योंकि पिछले बार पता क्या होता, हम लोग ऐसे अंदर ना चेंजिंग रूम में चले गए थे, और यहाँ पर ना हमसे मतलब उन्होंने उसका भी टाइम चार्ज ले लिया था कि मतलब आप यहाँ पे स्टार्ट हो गए तो आपका टाइम स्टार्ट हो गया, और फालतू में हमारा ना मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा चला गया, उसके आधे घंटा चला गया उसी के अंदर। मैंने कहा इस बार मैं कॉशियस रहूंगी। ऑल सेट, आज फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ काफी दिनों बाद। वैसे मौसम हो रहा है खराब, बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी क्योंकि बादल गरज रहे हैं। लेट्स सी, गीला नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दियों का टाइम चालू हो चुका है, और इस टाइम अगर गीले हो गए तो बीमार पक्के हो। और यशी वगैरह अभी तक शूट से वापस नहीं आए, होप सो उसका शूट अच्छे से होगा। आंधी आ रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो मौसम देखो कैसा हो गया, ये आंधी आ रही है सामने भयंकर, और बूंदाबांदी भी आ गई हल्की हल्की। ये मैं 5x फीचर दिखा रहा हूँ आपको आईफोन का, ये 2x हो गया, नहीं ये 1x हो गया, ये 2x था, ये 5x, और मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ यहाँ पर, तो अभी बच्चे प्रैक्टिस पे नहीं आए तो मतलब अभी मैं टाइम पर हूँ, और ये 0.5x। इस बादल तो थोड़े से आए हैं बट पता नहीं बारिश जैसा मौसम कैसे हो गया, इतना अचानक से आंधी आ गई यहाँ पर ही आ गई। ये बंद कर देता हूँ क्योंकि अंदर आ जाएगा सब कुछ, अब तो हमारी मेड आंटी भी नहीं है सफाई करने वाली। भाई आवाज़ सुन रहे हो, उधर की साइड तो बिल्कुल भी नहीं थी, इधर तक पहुँचा हूँ, ये देखो कितनी तेज बारिश और हवा चल रही है। खोलूँ हल्का सा एक बार, बहुत तेज है, इधर की साइड ही आ रही है हवा। यार वो शूट ओपन में कर रहे होंगे, वहाँ बारिश नहीं आ गई हो यार कहीं। वैसे तो मुझे मीकू के हाथ की कॉफी पीने की आदत है लेकिन आज वो नहीं है, तो प्री वर्कआउट की कॉफी मैं खुद ही बना रहा हूँ। 1 कप छोटी सी भगोनी में, आधा ही कप बनेगी मुझे लग रहा है, तो दूध भी नहीं है, नीचे से लाना पड़ेगा। ये तो गैस से भी छोटी है भगोनी, और ये लाई भी मीकू होगी पक्का, इतनी छोटी भगोनी कटोरी जैसी है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो भगोनी है मेरी हाथ में आ गई पूरी की पूरी। चलो इसी बनाएंगे आज कॉफी, और कौन सी कॉफी है मुझे तो पता भी नहीं क्या चीज कहाँ रखी है यार, नहीं होनी चाहिए। हाँ तो मुझे बड़ा मजा आता है अलग अलग कॉफी पीने का, स्लीपी आउल, ये रेज, ये तो खत्म ही हो गई। इसमें क्या फ्लेवर था, आयरिश, ये कौन सा फ्लेवर लाया हूँ, हेजलनट, अच्छा ये भी हेजलनट ही था। और एक बार नेस्कैफे का सबसे बड़ा वाला पैक लिया था सिर्फ इसलिए कैसा कप आ जाए प्यारा सा, स्टोरी ना डालने काम आता भाई। गाइस अब शूट करने आए थे, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है यार, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया शूट। ये देखो मौसम भयंकर, बादल और गर 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 गरजने की आवाज भी है। बढ़िया बैंड बजी भाई फुटबॉल प्रैक्टिस की, फिलहाल तो बारिश चालू हो गई है, अब ये रुकेगी तब देखेंगे। देखो बारिश और हवा इतनी तेज थी कि कवर ही उतर गया इसका, फिर वैसे भी मुझे उतारना ही था। लेट्स गो फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। जगह जगह मैंने इसकी ये सीपियां जो भी इसको कहते हैं वो गिरा दी, अब मेरे कान का गिर गया, गर्मी इतनी भयंकर हो रही है, ऊपर से मुझसे डांस नहीं हो रहा, सारी चीजें एक साथ सब ऐसी चीजें बहुत फ्रस्ट्रेट करती है, मतलब इसका हैवी इतना है वेट कि मैं मेरे डांस में ग्रेस नहीं आ पा रहा। बस पूछो मत कितना भयंकर चल रहा है सीन अभी। हमारा शूट हो चुका है और हमारी बहन भी बच चुकी है, कि जितनी ज्यादा चीजें मतलब आप अपने बालों में लगाओ ना उतनी ही कहते ना कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सब कुछ ऐसे ऐसे निकल निकल के जाता है, कभी कुछ गिर रहा था कभी कुछ गिर रहा था, कम से कम मैंने 4 बार अपनी हेयर स्टाइल वापस बनाई है। बट नाउ वी आर डन एंड वी आर गोइंग होम, चलो चलो देखने से चल यही बैठ, ठीक है ओके बाय। भानु अपना काम हो गया, यही रहना चाहती है। और हम लोग आज बहुत प्रॉब्लम हुई, ये लहंगा इतना ज्यादा हैवी था कि मतलब मैं घूम रही हूँ तो मेरे साथ में घूम रहा है ये, और मुझे मैं रुक रही हूँ तो ये रुकेगा नहीं, इसके अलग ना कर रहे थे, बट हो गया। मैं खुश हूँ शूट से, अभी पता चलेगा जब मेरा वीडियो बनेगा। कुछ ही मिनटों में अंकल आंटी यहाँ पर पधार रहे हैं, उनकी तबीयत काफी ठीक हो चुकी है फाइनली। हाँ हो गई ठीक, हाँ हो गई, काफी ठीक हो गई, उस दिन तो निकल ही नहीं रही थी, आज निकल तो रही है कम से कम ठीक है।
वो कहा है हमारे अंकल जी। अंकल जी अरे कहाँ पीछे रह जाते हो आप यार, वो भी छुट्टी है ना खाने वाली आंटी। मौसम आंटी इनको पहले हम इतनी छुट्टियां देते हैं, फिर और छुट्टियां कर लेती हैं। मौसम आंटी से बात करते हैं, मौसम आंटी दो हफ्ते के लिए कैसे पॉसिबल हो सकता ही था। यार दो हफ्ते के लिए छुट्टी मिलेगी तो कैसे काम चलेगा? किसने दी उसको दो हफ्ते की छुट्टी? अरे वो चली जाते हैं। चली गई यार, अब मैं बात करती हूँ मौसम से। भाई दो महीने किसी और को देखना पड़ेगा बेटा, ये तो या तो तुम आओ। अरे मम्मी हम सुबह से आप देख लो काम में लगे, वो मेरे को जाके अभी कपड़े खोल के वो पूरा समेटना पड़ेगा, इतनी बुरी हालत हो रही है। समेट दूंगी, अरे वो तो मैं समेट लूंगी, वो कोई वो नहीं है। अरे आपका जुकाम काम ठीक हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी तक नहीं हुआ। जुकाम तो टाइम लगता है, तो ठीक है लेकिन अभी अंदर से चलो दवाई की तो एक दिन का ही। अभी पूरा ठीक नहीं हुआ है ना, एक दिन में तो पागल कर दिया हमको, एक दिन का ही रहा। देखो गाइस मैं गुजराती मूड में हूँ। खाकरा गुजराती कपड़े, गुजराती खाना, डांडिया। हम लोग भी जाएंगे गाइस, हम लोग नीचे गेस्ट हैं, गेस्ट क्या जज हैं हम लोग यहाँ के। यहाँ डांडिया इवेंट हो रहा है बिल्डिंग में, जो जज कौन बन रहा है? शकल मैं और जज की शकल देख रहा इसकी जज अपनी शकल इसकी शकल किसी एंगल से जज लगता है। डांस में जज वो करनी है तुमको, मतलब ऐसे करना मैं और ये सी जज होंगे उसमें। हाँ। तो उसके अंदर एक तो क्वीन निकालनी है उनकी। अच्छा। ठीक है, मतलब क्वीन ऑफ द इवेंट ऐसा कुछ होता है ना। किड्स का नहीं है, किड्स का नहीं है भाई, सब मतलब वैसे जानते हैं ना, मतलब बहुत सारी मुझे लेडीज मिलती हैं। अब किसको तो झगड़े वाली बात होगी? कोई नहीं, मैं कल देख पूरी सेटिंग करके आऊंगा, किसको जिताना है उनसे रिश्वत लेके आऊंगा। रिश्वत लेके आएगा पहले। ओके, तो ऐसे एक तो जो की ना ओवरऑल अच्छी हो, दो जने ऐसे सेलेक्ट करने, और दो जने मतलब डांस और कपड़े दोनों अच्छे हो। ठीक है, और दो जने ऐसे सेलेक्ट करने जिनके कपड़े अच्छे हो, कौन अच्छे से तैयार होकर आया। कपड़े वाली बात तो लोग हितेश जी भी कपड़े पहने, हितेश को जितवा देना दो। बता प्राइस है भाई, एयरपोर्ट है कुछ प्राइस है? अरे तेरी आंटी को भेज के तैयार करती है, फिर चीटिंग हो जाएगी। घर वाले बिल्डिंग अलाउड है? बिल्डिंग, अच्छा सिर्फ बिल्डिंग वाले अलाउड है? वाले नहीं हुए क्या? नहीं नहीं आप लोग नहीं, आपका एरिया लगे। हम नंदपुरी वाले यार, हम भी बिल्डिंग वाले ही हो गए ना, आपका एरिया लगे। लो गाइस तुम्हारा खाना, भूख लगी। ले ले पकड़ 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 पकड़। इसमें तेरा भी है? हाँ। क्या मंगाया मैंने बता? सोया चाप मंगाया, और क्या मंगाएगी? कुछ और मिला ही नहीं। दोस्तों हमारी कुक छुट्टी पर है तो अब क्या करें? तो मैं खा नहीं पाती, खाती हूँ तो पेट दर्द करता है। तो फिर खाना खाओ, आज रोटी और चाप की सब्जी मंगा ली हमने, अब कोई ऑप्शन नहीं था। वही गुड्डे जैसा भू लगता है इसका, मोटा मोटा सा साइड से वो है, तू आना एक अलग ही। इसकी थोड़ा सा स्वेलिंग रहती है साइड में, इस साइड फेस के मुकाबले, और मैं इसी साइड से इसको खींचता रहता हूँ। दर्द हो जाएगा, क्या हो गया? नेट का पता नहीं वाईफाई को क्या हो गया, आजकल बहुत धीरे चलने लग गया यार। व्लॉग देख रही है, व्लॉग में किसको देख रही है? टैडी को देख रही है यार। मैं टैडी को देख रही थी, बहुत अच्छा लगता है यार। पता है हम लोग डांस ले तो आए लेकिन ना उसको मतलब वही चीज है कि अब सबके सब साथ में जाने लग गए, अब यहाँ पर उसको कौन संभाले, वही चीज होती है। और वो पता है तू देख ले, यही सीन होता है कि डॉग को मेन जो लोग होते हैं ना उन्हीं के साथ वो उसका मन लगता है, वो नहीं होते। दोनों एक साथ घूम लेंगे, वाह, और दोनों का ही मन नहीं लगेगा। दो डॉग लेंगे मन करता है कभी कि छोटू सा लिया हो कुछ और वो भागता रहे तो उदम करता तो रहे, वो और चाहिए यार, उसके ब्रिटिश बुलडॉग चाहिए मुझे, उसके साथ खेलते रहे खूब मस्ती करते रहे। मुझे वो आलसी कुत्ता चाहिए, ब्रिटिश बुलडॉग चाहिए मुझे, ऐसा लटका रहता है इसका। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं कुत्ता चाहिए यार। लेकिन यार वही बात होती है कि हम ले तो हैं कि हम मस्त मस्ती करेंगे उसके साथ, उसको प्यार से रखेंगे, लेकिन जब काम के लिए जाना पड़ेगा तो वो बेचारा। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं सच बता रही हूँ, ये काम मैं तो कैंसिल कर दूंगी, मैं सच में कर देती हूँ। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे को ऐसा कर रहा था ना घर में कुछ ऐसा है, यार एक ले आते हैं वो टेडी जैसा ले आते हैं, उतना सही रहता है वो रीना टेडी बियर हमारी। तेरे को नहीं बोल रहा पीछे पड़ा जो हंसरी, मुझे एक ब्रिटिश बुलडॉग चाहिए। तो हमारे पास डबल डबल इनविटेशन आ गए डांडिया के, मस्त मस्ती करेंगे। एक में हम जज भी बन रहे हैं, हाँ यहाँ सोसाइटी वाले में जज बन रहे हैं, और वहाँ एक जगह हम एज अ गेस्ट जा रहे हैं, खूब मस्ती करेंगे डांडिया। बहुत मजा आएगा यार डांडिया की। अब ये त्योहार जो चालू हो गया ना इसकी वाइब भी अलग होती है। पर तूने एक चीज नोटिस की, ये साल कैसे निकला कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, और ये अभी भी नवरात्रि वाले दिन निकलते जा रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मेरे को तो इतना ज्यादा टेंशन हुई सूरज, मैं सच बताऊँ आज ना मेरी हिम्मत नहीं थी। बट टेंशन नहीं, टचवुड भगवान ने हमें बिजी कर रखा है काम में, थैंक यू, अच्छी चीज है, इसलिए हमें पता नहीं चलता किसी भी चीज का। सुनना मेरी आज ना बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, पर मैंने कैसे मैं रेडी हुई हूँ, कैसे मैं गई हूँ मैं ही जानती हूँ। मेरी तो हिम्मत नहीं थी, मैं तो सो गया था भाई, ये तो भाई सो गया था, उल्टा हो गया। सुबह उठ के गाड़ी की भी हिम्मत नहीं थी, मीकू की भी हिम्मत नहीं थी, मीकू थोड़ी देर सोई, भानु को तो नींद आती नहीं।
दिन के अंदर, तो वो भी बोला अब जग ही रहा हूँ, तो फिर मैं चल यार अपन तो चलते हैं शूट करके आते हैं। फिर हम शूट करके अभी मेरे दो आउटफिट्स पड़े हो गए ना, लेकिन शूट करके आ गए। अगर मैं शूट नहीं करती ना तो मैं चिड़चिड़ करती पक्का। वो तो वैसे भी करती।